बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट क्या हुआ ये दुपट्टा अटक गया अरे नहीं नहीं आप रहने दीजिए ये निकल जाएगा ये हटो हिम्मत कैसे हुई फुगी की ड्रेस फाड़ने की हाँ ब्लडी आयरन मैन नहीं नहीं आप सुनिए मेरी गाड़ी है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मैं तुम्हारा मजाक थोड़ी ना उड़ा रहा मैं तो बस तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूं ये तुम्हारे माथे पर ये जो लाइन है ना ये तुम पर अच्छे नहीं लगते मैं तुम्हारे चेहरे पर बस दो ही लाइन देखना चाहता हूं हंसी के लाइंस फिर तो ये लाइंस परमानेंट हो जाएंगी क्योंकि जब भी आपके साथ रहती हूँ हंसती ही रहती हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ कि रुक जाओ जाने की क्या जरूरत है क्या पता कि लाइन शायद परमानेंट डिंपल्स ही बन जाए पता है कितनी रात हो रही है अब भी घर नहीं गई ना तो माँ मेरी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देंगी हाँ तो फिर चलो ना क्योंकि तुम्हारी माँ मिसिंग रिपोर्ट के साथ साथ ये भी रिपोर्ट में लिखवा लेंगी कि मैं घर आया था और तुम्हें भगा कर ले गया वैसे तुम्हें पता है लड़कियां ना सबसे बेस्ट शादी के जोड़े में लगती है लेकिन तुम पर हर ड्रेस शादी का ही ड्रेस लगता है थोड़ी देर के लिए ही सही पर क्यों मुझे इसका जाना अच्छा नहीं लगता मेरा हर अधूरापन बस इसके आने से दूर हो जाता है ये साथ होती है तो लगता है जैसे मैं कुछ भूला ही नहीं तो कभी लगता है बस यही दिमाग में रहे और बाकी सब भूल जाओ ये हंसती है तो मन करता है कि हमेशा साथ रहे और जिंदगी इसी रात की तरह गुजरे कुछ कहना था बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट जब भी मिलते हैं एक नया सपना देखा जाते हैं लगता ही नहीं कुछ भूल गए आप पर मुझे जानना है क्या आप आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे पर कैसे पता करूं आपके परिवार से बातचीत है आपकी नहीं करते कोशिश की मैंने बात करने की बात नहीं करते अच्छा लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला क्या पता चला शादी के बाद बहुत सारी बातें पता चली सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा डिस्टर्ब मत कर यार डिस्टर्ब मत कर बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू आ, 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 आ,
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी करूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी